हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिवाशनी। आई होप आप सब ठीक होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताइए आप सब कैसे हैं। बहुत सारे लोगों के डीएम आए कि यूट्यूब चैनल बना लिया, क्या कब सोचा इस बारे में, क्या माइंड में आया, किस चीज़ से बनाते हो, लाइक कैमरा ले रखा है या क्या कर रखा है, लाइक पूरा सेटअप किया है। मैंने कहा कुछ नहीं करती, नॉर्मल फ़ोन है मेरे पास, मैं अपने फ़ोन से शूट करती हूँ। और रही बात कि मेरे माइंड में आइडिया कैसे आया, कोविड हुआ था मुझे तीन तारीख को मुझे कोविड हुआ था। तो कोविड में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लाइक इतना ज़्यादा मुझे बॉडी पेन हो रहा था और मेरा पेपर चल रहा था। मैं ट्रांसलेशन नहीं बीजी का पेपर था, बीजी बिजनेस जर्मन का पेपर चल रहा था मेरा और मैं पेपर लिख रही थी। पेपर लिखते लिखते मेरा ऑक्सीजन लेवल 43 पहुँच गया एंड उसके बाद मेरे से लिखना, मतलब मैं लिख ही नहीं पा रही थी उसके आगे, मैं लिख ही नहीं पा रही थी। तो मैंने मैम को मैसेज किया, मेरी मैम है सविता मैम, मैंने सविता मैम को मैसेज किया कि मैम मेरे से नहीं लिखा जा रहा है, मैं पेपर अपलोड कर दूँ। तो मैम ने मुझे कहा दिवाशनी बेटा कर दो अपलोड। तो मैंने पेपर अपलोड कर दिया। पेपर अपलोड करते ही मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में एडमिट करने से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि सिलेंडर का जुगाड़ कर लो। एंड मैंने कहा नहीं, मुझे सिलेंडर नहीं लगवाना, मुझे सिर्फ बॉडी पेन की दवाई दे दो, अब मेरा बॉडी पेन ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे दवाई दी और मैं घर आई, और घर में आके मैं अलग रूम में, क्वारंटाइन मान लो, अलग रूम में थी। तो तब मुझे इतना पेन हुआ, मैंने सोचा यार अगर मैं मर गई, सब तो इतने सारे लोगों की कोरोना में डेथ हो गई है, अगर मैं मर गई तो मेरे घर वाले मुझे याद रखेंगे, रोएंगे, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें मैं जर्मन पढ़ाती हूँ वो मुझे याद रखेंगे, और मेरे कुछ दोस्त मुझे याद रखेंगे, और मुझे मेरी टीचर्स याद रखती। तो मैंने सोचा अगर मैं मर गई तो मेरी तो कहानी ही किसी को नहीं पता होगी, बस दो चार लोग हैं जो मुझे ये जानते हैं वो मुझे याद रखेंगे, वो भी कब तक रखेंगे। तो मैंने सोचा भाई मेरे पास इतनी नॉलेज है, ठीक है, जर्मन मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है, 11 मंथ का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है जर्मन में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ जिस पर मैं अब लाइक लीडरशाला में भी जर्मन टीचर हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पे मुझे ऑलराउंडर का सर्टिफिकेट मिला। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मेरे पास इतनी नॉलेज है, कुकिंग, टीचिंग, बातें करना, मोटिवेशनल स्पीक, बहुत सारी चीज़ें मुझे आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों मैं इन्हें वेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने बस YouTube चैनल बनाया और मेरे चैनल पे मैंने अबाउट सेक्शन में भी लिख रखा है आई एम अ जर्मन टीचर। लेकिन मेरे चैनल पे सिर्फ आप लोगों को जर्मन नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पे नॉर्मल व्लॉगिंग होगी। मैं खेत में जा रही हूँ तो मैं खेत दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने अपना पार्क दिखाया था, ये मेरे घर का पार्क है, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी। ऑलराउंडर का सर्टिफिकेट अगर मैंने जीता है तो मैं यूट्यूब पे भी ऑलराउंडर रहूँगी। मुझे नहीं पता मैं कितना ग्रो करूँगी। कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पे इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, हर कोई ग्रो नहीं करता है, लक पे जाती है बात, ये होता है वो होता है, बट मैंने कहा नहीं, मुझे खुद पे ट्राई करना है क्योंकि आई नो। एंड मैं अपना मेल भी हमेशा लिखती हूँ, अगर कोई भी है जैसे लगता होगा कि मुझे अपनी स्टोरी दुनिया को सुनानी है वो मुझे मेल कर सकता है, मैं उनकी स्टोरी खुद सुना दूँगी, डोंट वरी। जब मुझे बोला गया कि ऐसे ही व्लॉगर नहीं बन जाते हैं, ऐसे ही यूट्यूब पे कोई फेमस नहीं हो जाता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने ट्राई किया। फिर क्या हुआ कि जब ये कोविड वाली सिचुएशन में मेरे को ऐसे ऐसे समझ आया कि नहीं यार मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, मुझे ये करना है, तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने थोड़े बहुत दोस्तों के साथ शेयर किया तो मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब किया। मेरे चैनल पर अभी सिर्फ 144 सब्सक्राइबर हैं, बट मुझे ये है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरी बात 100 लोग भी सुन रहे हैं तो मेरे लिए बहुत है। और जब एक यूट्यूबर हैं अमित बॉस नरवाना, वर्ल्ड में बजाना, तो मेरी मम्मा उनका ब्लॉग देखती हैं और मैं भी उनका ब्लॉग देखती हूँ, लाइक उनसे मैं इतनी मोटिवेट हुई कि भाई वो बताते हैं मेहनत करो, दुनिया चाहे कुछ बोले आप मेहनत करो। तो वही है अमित बॉस नरवाना, वर्ल्ड में बजाना से सीख कर और मोटिवेट होकर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। अब मुझे नहीं पता मेरा चैनल कितना ग्रो करेगा, कितना नहीं करेगा, लेकिन मैंने जिस दिन से चैनल स्टार्ट किया है उस दिन से मेरा रोज़ व्लॉग आता है, चाहे मैं एक वीडियो डालूं, चाहे मैं दो डालूं, चाहे मैं तीन डालूं, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ। और सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो सफल होगे, और इसलिए मेरा भी चैनल
आई होप ग्रो करेगा. एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मेरी बात सुनी, मुझे सब्सक्राइब किया, मेरे को लाइक किया, और सब जिसने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना.